श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, बस एक लौंग और एक सिक्के का उपाय कर लो, माता लक्ष्मी कभी भी निराश नहीं होंगी। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर एक लौंग और एक सिक्के का बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में जीवन में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहती है और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। दोस्तों देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत आपके घर में धन की कमी बनी रहती है, तब आपको लौंग के ये अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से व्यक्ति जल्दी से धनवान बन जाता है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो। दोस्तों लौंग का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफ़ी महत्व है। हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवता को भोग लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इससे घर से नकारात्मकता ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करना विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता यह है कि माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए आपको लौंग के ऐसे चमत्कारी टोटके बताते हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं बताए थे। दोस्तों देखिए, धन लाभ संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के टोटके बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। हर शनिवार को लौंग का दान करने से राहु का दोष खत्म होता है और घर में खुशहाली आती है। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन एक लौंग का जोड़ा जरूर लेना चाहिए। दोस्तों आपको फूलदार साबुत लौंग का जोड़ा लेना है, ठीक है। साथ में आपको एक चमेली के तेल का दिया लेना है। अगर आपको चमेली का तेल ना मिले तो आप शुद्ध देसी घी ले सकते हैं। दोस्तों दिए में आपको लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना है। आपको करना यह कि आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास शुक्रवार की शाम के समय या रात्रि में आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक को प्रज्वलित कर देना है और जो आपने लौंग लिए हैं उन लौंगों को अपने हाथ की हथेली पर रखकर और उल्टे हाथ की हथेली को सीधे हाथ के नीचे लगाकर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार आपको जप करना है। मंत्र दोस्तों ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। इस मंत्र का जप करने के बाद में आपको जलते हुए दीपक में लौंग का जोड़ा डाल देना है और फिर अगले सुबह आपको शनिवार के दिन सुबह जो है उठकर नहा धोकर आपको उस दीपक को वहाँ से उठाना है और जो लौंग है उन लौंगों को आपको उसमें से निकाल कर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करते समय आपको अपनी मनोकामना कह देनी है और दीपक को आपको पूजा की सामग्री के साथ ही बहा देना है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लौंग है उसे आपको शनिवार की सुबह ही जल में बहा देना है। अगर आपके घर के आसपास बहती हुई नदी या जल ना मिले तो आप किसी कुएं में भी इसे विसर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में दो लौंग रखकर निकल जाएं। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद में भी कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता ना मिले तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और इस दीपक में दो लौंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको मेहनत का फल मिलेगा। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ दो लौंग और एक 10 रुपये का सिक्का पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में इन सारी सामग्रियों को रख कर उसे बांध कर अपने तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा है तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 लौंग कपूर में रखकर जला दें
और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति का नाम बोल दें। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है और उधार दिया गया पैसा आपको वापस मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में पूजा के बाद जब आप आरती कर रहे हों उस समय दीपक में 2 लौंग डालकर आरती करें, इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। घर में कोई सदस्य अगर बार बार बीमार हो रहा है तो तवे में 6 से 7 लौंग रखकर जलाकर किसी कोने में रखते हैं। यह उपाय हर 2 से 4 दिन के अंतराल में करते रहें। ऐसा करने से कुछ दिन में बीमारी से निजात मिलने लगती है। इसके साथ ही घर में लड़ाई झगड़े और कलह से भी मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 7 लौंग और 7 काली मिर्च को अपने सिर पर से घुमाकर ऐसी जगह फेंक दें जहां कोई आता जाता ना हो। इन लौंग और काली मिर्च को चारों दिशाओं में फेंकें। इसके बाद मुड़कर पीछे ना देखें। इससे धन का आगमन होने लगता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आपके हर बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं तो इसके लिए भी लौंग के उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए 1 पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी लपेटकर गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से हर बाधा दूर होगी और आपके बिगड़े हुए काम दोबारा से बनने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए नए नए उपाय मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमोस्तुभ्यम।